हेलो साथियों, मैं जयवीर सिंह स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में डिप्टी मैनेजर एडवांसेस गुड़गांव ब्रांच में कार्यरत हूँ तथा गांव जाटू वाले डिस्ट्रिक्ट भिवानी से संबंध रखता हूँ। मैंने अब इंदर गंगा सर से कोचिंग ली थी जिसकी वजह से मैं आज इस पद तक पहुँचा। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा श्री गंगाना के राजस्थान। मैंने सन 1996 में वेंद्र जी के सारे दिन में कोचिंग ली थी जिसका परिणाम आप लोगों के सामने। उस समय जबकि कंपटीशन का जमाना नहीं था, लोग इस चीज़ के बारे में जानते नहीं थे, माता पिता भी अनभिज्ञ होते थे, उस जमाने में इन्होंने हमें कोचिंग दी। मैं हरि किशन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में नौकरी कर रहा हूँ। 1993 में मैंने अवेंद्र जी से कोचिंग ली थी। अवेंद्र जी ने उस टाइम इतनी मेहनत करवाई कि हम हर चांस में ही सिलेक्ट हो चुके थे। इस संस्थान के और भी मेरे साथी बहुत से कामयाब होकर ऊँचे ऊँचे पदों पर सर्विस कर रहे हैं। कुछ तो मेरे साथी दूसरे बैंकों में भी नौकरी कर रहे हैं। बहुत से साथी LIC रेलवे में बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, फिलहाल गुरु जी ने इतनी बढ़िया तकनीक वीडियो सीडी के माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपसे मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनल जिनके लिए स्काई इज द लिमिट मोटो इन्होंने रखा था और हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हैं मिस्टर पवन कुमार, मिस्टर अमरिंदर कुमार जी से कोचिंग लेकर और BSF में एज ए कमांडेंट अभी कार्यरत हैं। मैं स्वागत करता हूँ श्री पवन कुमार। इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता लगा, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपको कैसा लग रहा है? जब 97 में मैंने प्लस टू किया उसके बाद से ही अविंदर जी का इंस्टीट्यूट काफी अच्छी तरह चल रहा था। उस टाइम से ही मुझे पता था कि बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं। उसके बाद से मैं इनकी गाइडलाइन में आता रहा और इनसे मिलता रहा और रेगुलर इनसे गाइडलाइन भी लेता रहा कि क्या करना चाहिए आगे। तो उन्होंने गाइड किया कि आप अच्छे से स्टडी करो, मेहनत करो, लगन से काम करो तो सक्सेस जरूर मिलेगी। उस टाइम से गाइड करते रहे। मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग भी किया। अच्छा, इन्हीं की गाइडलाइन के थ्रू मैं इंजीनियरिंग करवाया। उसके बाद इन्होंने बताया कि सब्जेक्ट मैटर अच्छी तरह चूज करो, जितना हो उसको लगन से करो और पूरी मेहनत और अपने कॉन्फिडेंस से करो। कुल मिला के इन्होंने जो आपको समझाया आपने उसको बिल्कुल बकायदा दिया। हाँ जी। और इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मेरा मेन एम था IAS करने के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का। लेकिन टाइम कम था, सिविल सर्विस के लिए तैयारी शुरू किया। उसके साथ साथ मैं CPO में भी अपील हुआ और CPO में भी रोज CPO के लिए अच्छा गाइड किया सर ने मुझे। उससे मेरा सिलेक्शन हुआ, बड़े अच्छे मार्क्स मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। आपको एक इतना उत्साहजनक रिजल्ट आपका सामने आया तो आपने क्या मतलब क्या चीज़ थी वो? मैं प्रकाश जी से कहना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो कहता है कि आदमी को सही गाइडलाइन मिलना चाहिए और उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और उसके पास प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, एक उसे अपना पता होना चाहिए मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, या उसे कोई एनकरेज करने वाला होना चाहिए प्रॉपर कि सही टाइप पर उसे एनकरेज किया जा सके और उसमें कॉन्फिडेंस हो, उसका सब्जेक्ट मैटर हो। ये तीन चीज़ें बहुत मेन है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। तो मैं क्या कहना चाहूँगा, जैसे मैंने अवेंद्र जी के साथ रह के किया, प्रॉपर गाइडलाइन मिली प्रॉपर टाइम पे जिसकी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि उसी टाइप से प्रॉपर गाइडलाइन लें, अपने मैटर को अच्छी तरह से करें और सक्सेस जरूर मिलेगी। जैसे पवन जी ने बताया उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइड मिलना बहुत जरूरी है। पवन जी आप और कुछ संदेश एक लास्ट में प्रत्याशियों को दीजिए। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत, लगन और प्रतिष्ठा से काम करें और सही समय पर सही गाइडलाइन लें और जो सब्जेक्ट मैटर उनके पास है उसको बड़े ही अच्छी तरीके से करें और भरोसा रखें उसके ऊपर और अपने पर भरोसा रखें तो उनको सक्सेस जरूर मिलेगी। नमस्कार। मैं मनजीत सिंह केनरा बैंक भिवानी में कार्यरत हूँ। मेरी प्रथम पोस्टिंग खन्ना ब्रांच पंजाब में हुई थी। मैंने श्री अविंदर कुमार जी से 1998 में कोचिंग ली थी जिसका मुझे बहुत ही अधिक लाभ हुआ। मेरा बैंक के अलावा SSC एवं JBT हरियाणा में भी सिलेक्शन हुआ था। मैं नरेश कुमार, विलेज गढ़ी उजाले था, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। एट प्रेजेंट मैं कॉर्पोरेशन बैंक की गुड़गांव शाखा
रिलेटिव मिस्टर मुकेश कुमार जो बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए मैनेजर है, उनके माध्यम से मिला। जब मैं रंगा सर से मिला उस समय मेरी जो कम्पिटिटिव नॉलेज थी वो बिल्कुल जीरो, लेकिन रंगा सर से मिलने के बाद आज मैं इस पद पे कार्यरत होने में कामयाब हुआ। जब मैं रंगा सर से मिला तो हमें कहते थे कि आज आप नौकरियों की तलाश में मेरे पास आए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब नौकरी नहीं नौकरियां आपके पीछे होंगी, और बिल्कुल उनकी कही हुई बात आज सटीक होती है। मेरा मानना है कि सफलता के लिए अच्छे ट्यूटर का होना जरूरी है। राजेश कुमार विद्यानगर भिवानी का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में IFA कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर नई दिल्ली में AA असिस्टेंट अकाउंट अफसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने 1996 में रंगा सर से कोचिंग ली थी, उसी के कारण मैं आज इस पद पर कार्यरत हूँ। मेरे बहुत से साथी यहाँ से कोचिंग लेकर बहुत से पदों पर कार्यरत हैं। दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ साथ एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। आप एक अच्छा मार्गदर्शक चुनिए, सफलता आपको चुनेगी। धन्यवाद। और ये है मिस्टर राजेश कुमार गोयल जी। नमस्कार राजेश कुमार गोयल जी, आप बताइए हमारे इंस्टीट्यूट का आपको कैसे पता हो? पापा जी पहले ही इंटरेस्टेड थे बैंकिंग, जो मैं बैंकिंग फील्ड में जाऊँ, इसलिए मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मेहनत की है, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और माता पिता का आशीर्वाद और ऊपर वाले की दया कृपा बहुत जरूरी है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ प्ले करते हैं यहाँ पर, ये गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो आपको प्रॉपर वे से गाइड करे, प्रॉपर वे से पढ़ाए। मुझे इंस्टीट्यूट में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब मेरा बेस्ट था सर, जो 96 का बेस्ट था, उसमें मैंने 3 BSRBs के टेस्ट क्लियर किए, BSRB दिल्ली, BSRB जयपुर, BSRB लखनऊ। एंड जब BSRB दिल्ली में मैं जब गया तो हमारा बैच इतना सक्सेसफुल था, हमारे ग्रुप के लड़के कम से कम भी 6-7 लड़के थे वहाँ पर, इतने इंटू पैनल वाले भी वो हैरान थे कि भिवानी में ऐसा क्या है जो इतने लड़के वहाँ से सक्सेस मिली हम लोगों को। बड़ी मेहनत स्ट्रगल से आपने ये दौर पूरा किया, सफल हासिल की, तो आपको अब कैसी खुशी महसूस होती है? आप हमारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? फ्रेंड्स, मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो मेहनत तो नहीं है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप मेहनत करते जाएंगे, लेकिन जब तक उसका प्रॉपर वे नहीं होगा और आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी ना, आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। और जैसे आप आजकल इतना कॉम्पिटिशन का टाइम है, उसमें तो ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट प्ले करती है कि आपको अच्छा गाइड मिले। और मुझे इंस्टीट्यूट में ये सबसे ये अच्छी चीज़ें मिली। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी इस इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया मेरे टाइम में जो नहीं थी, पहले फेस टू फेस श्री अभिंदर जी हमें टीच करते थे, लेकिन जब इन्होंने अब CD वाला जो सिस्टम स्टार्ट किया है, उसमें जो काफ़ी दूर के जो लोग हैं पूरी ऑल इंडिया लेवल पे, वो भी आप आराम से उसमें पढ़ सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया, इतना साइंटिफिक वे में जो उन्होंने स्टार्ट किया है। और आज की कॉम्पिटिशन के हिसाब से जैसे चेंज हो रहा है, डे बाई डे चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिशन चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैं आपको अंत में यही आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्रॉपर मेहनत कीजिए, आप आत्मविश्वास से और सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है एक अच्छा गाइड का होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी मेहनत जो है राइट डायरेक्शन में। राजेश कुमार गोयल जी, आपकी मेहनत को देखते हुए, आपकी सफलता को देखते हुए हमें बड़ी खुशी है कि हर विद्यार्थी को आप आगे की ऊंचाई को जगह देते हैं। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मैं अतीश कुमार गांव सावड़ भिवानी का रहने वाला और SBI कोसली में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने 96 में श्री रंगा जी के मार्गदर्शन में कोचिंग प्राप्त करके यह मुकाम हासिल किया, जिसका श्रेय श्री रंगा जी को जाता है। मेरे बैच से मेरे अन्य साथी भी यहाँ से कोचिंग लेकर आज मेरे बराबर वह ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं।